हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं बना रही हूँ गोभी की पूड़ी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। गोभी की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 350 ग्राम गोभी लिया है, जिसके फूल को अलग अलग तोड़ के 4-5 घंटे पहले ही धुल कर रख दिया है ताकि इसका पानी पूरी तरह से टपक कर सूख जाए। अब हम कद्दूकस लेंगे, उस पर मोटे वाले में बिल्कुल नहीं करेंगे और पतले वाले पे भी बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसे मीडियम साइज पे करेंगे। ये सबके घरों में ऐसा ग्रेटर होता है। इस पर हम गोभी के फूल को कद्दूकस करेंगे, उसके डंठल वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल आप सब्जी बनाने में कर सकते हैं। और हम जो भी कद्दूकस कर रहे हैं गोभी का फूल, वो बिल्कुल बारीक एक बराबर होना चाहिए। इसमें अगर कहीं गोभी का फूल टूट के मोटा गांठ जाए तो उसे फिर से कद्दूकस करिए। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जैसा हमारे वीडियो में दिख रहा है। इस गांठ के आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल करें। अब खास ट्रिक, इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालें और नमक को गोभी के साथ अच्छे से मिला लें। गोभी में थोड़ी सी मॉइस्चराइजर पानी होता ही है और नमक डालने से जो भी पानी होगा गोभी वो अच्छे से रिलीज कर देगी। अब एक बाउल ले, उस पर एक छन्नी को रखें, छन्नी के ऊपर एक कपड़े को रखें और कपड़े में हम इस गोभी को ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरी तरह से पलट देंगे और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे होगा क्या कि गोभी का जो ही एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिलीज हो जाएगा और गोभी की जो स्टफिंग बनाएंगे वो बिल्कुल भरभरी और सूखी बनेगी। उसके पराठे आप अगले दिन भी बनाएंगे तो वो मिश्रण पानी नहीं छोड़ेगा और पराठे अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। अब तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है ये। 1 टीस्पून अजवाइन, जिसे हाथ से रगड़ के डालें। 1/2 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इन्हें अच्छे से आटे के साथ मिला लें। इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल का इस्तेमाल करेंगे और तेल डालने से पूरी खस्ती नरम अच्छी बनती है। और अच्छे से मिला लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथे। सॉफ्ट आटा गूँथने से ये होता है कि हम जब भी स्टफिंग वाली पूड़ी पराठा बनाएं वो फटती नहीं है। तो जब भी आप पराठे के लिए आटा लगाएं पूड़ी के लिए, तो सॉफ्ट लगाएं। जब हम स्टफिंग करके बना रहे हों तो तब आटा सॉफ्ट लगाएं। और आटा गूँथ गया है, इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल फिर से ले रही हूँ। उसको ऑयल से ग्रीस करके ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हमारा आटा सेट होकर तैयार हो जाए। 1 इंच अदरक, 5 हरी मिर्च को मैंने डालकर बारीक क्रश कर लिया है। ये हमारा गोभी है जिसे हमने 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। और अब हम इसे निचोड़ के इसका जो भी सारा एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। देखिए इतना पानी रिलीज हुआ और अब हमारी ये मिश्रण गोभी का तैयार है। और कितना भरभरा है, इसे आप 12 घंटा रखेंगे तो भी ये गीला नहीं होगा। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 पिंच हींग और 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़े से धनिया पत्ता डालकर इन स्टफिंग को अच्छे से मिलाइए। और मिलाकर इन्हें अच्छे से, अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने पे ये थोड़ी सी पानी रिलीज करेगी। नमक हम जब बनाएंगे तब डालेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आटे को फिर से मसल लिया। अब हम बनाना है तो इसमें नमक डालेंगे और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे से एक छोटी सी लोई लेंगे, उसे सूखे आटे से कोट करेंगे और उसको हाथे से घुमाते हुए उंगलियों की सहायता से गोल कप की तरह बनाएंगे। उसमें स्टफिंग डालेंगे। हमने छोटी लोई ली थी तो थोड़ी सी कम स्टफिंग ली। आप जैसे लोई ले उस हिसाब से स्टफिंग करें। उंगलियों की सहायता से घुमाते उसका मुँह बंद करें और इस एक्स्ट्रा आटा को आप चाहे तो निकालें या वहीं दबा दें और हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। फिर हम इसे चकले पर लेंगे और हल्के हाथों से ही प्रेस करके जितना फैल सके उतना फैलाएंगे। और खास ट्रिक्स, इसे हल्के हाथों से बेलें, इसे तेज हाथ से ना बेलें वरना ये पूड़ी फट जाएगी। तब तक हमने तेल भी गर्म होने के रख लिया है, जब तक हम बेल के 2-3 पूड़ी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पूड़ी बेलकर बिल्कुल तैयार है। और इसकी मोटाई मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और हमारी पूड़ी बेलकर तैयार है और हमारा तेल भी गर्म है। मैंने एक आटा डाल के चेक कर लिया, तेल अच्छा गर्म है। अब इसमें अपनी पूड़ी डालकर तल लूँगी और हमारी पूड़ी देखिए बलकर रेडी है। पूड़ी को मीडियम फ्लेम पे सेके, तेज आंच पे ये जल जाएगी और अंदर से स्टफिंग भी नहीं पकेगी। हमारी स्टफिंग कच्ची है तो इसे स्लो से मीडियम फ्लेम के बीच में रख के फ्लेम को पकाएं। बहुत ज़्यादा स्लो भी ना रखें वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेगी। इसे मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छा गर्म करें, फ्लेम को मीडियम करें और पकाएं। गोभी की पूड़ी बनकर तैयार है।